क्या हुआ, मुझे पता है आप कई न्यूज चैनल्स पे गए होंगे, कई जगह आपने ये दास्तान जिसकी पाकिस्तान में अगरचे बड़ी तादाद में लोग मॉर्निंग शोज देखने के शौकीन हैं, लेकिन यही मॉर्निंग शोज मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर तनकीद की जद में भी रहते हैं। मारूफ मॉर्निंग शो होस्ट नदा यासर भी इस वक्त से तनकीद की जद में है, जब से उन्होंने कराची में कत्ल होने वाली मरवा के अहले खाना को प्रोग्राम में मदऊ किया और उनसे बेमानी सवालात किए। नदा यासर ने अपने प्रोग्राम मैन कराची में ज्यादती के बाद एक कत्ल होने वाली बच्ची मरवा के वालदेन को बुलाया और उनसे इस वाके की तफसीलात बताने के लिए कहा, जो यकीनन उन वालदेन के लिए बताना बहुत मुश्किल था। नदा यासर ने मरवा के वालिद से मुतअद्दिद बार कई बेमानी सवालात किए, जबकि प्रोग्राम में मौजूद मरवा की दादी अम्मा मुसलसल रोती रही। नदा यासर बार बार मरवा के मुतालिक सवालात पूछती रही, जिसका जवाब देते हुए उनके वालिद भी आपदीदा हो गए। गुफ्तगू के दौरान उनकी आंखों में दर्द और आंसू वाजे देखे जा सकते थे। मरवा के अहले खाना के लिए इस वाके पर बात करना बहुत मुश्किल हो रहा था। सोशल मीडिया पर सारिफीन ने नदा यासर के अंदाज और सवालात पर सख्त ब्रह्मी का इजहार किया और कहा कि अपने चैनल की रेटिंग के लिए ऐसे लोगों को बुला लिया जिनकी बेटी पर दर्द दंडों से जुल्म के पहाड़ गिरा दिए। नदा यासर का मॉर्निंग शो बंद करने का मुतालिबा जोर पकड़ गया। सारिफीन की जानिब से सोशल मीडिया पर शदीद ब्रह्मी का इजहार किया जा रहा है। एक सारिफ का कहना है कि जाली मेहमानों को बुलाकर प्रोग्राम करने वाली नदा यासर ने मरवा के वालदेन से ऐसे सवाल किए जिससे उसके अहले खाना रो पड़े। एक सारिफ ने नदा यासर के प्रोग्राम को बंद करने के हैशटैग को इस्तेमाल करने की दरखास्त की, जबकि मारूफ होस्ट वकार जका ने सारिफीन से कहा कि वो नदा यासर को प्रोग्राम से हटाने के लिए पैमरा से राबिता करे और उनसे दरखास्त करे कि नदा यासर को इस प्रोग्राम से हटाया जाए। वकार जका ने सारिफीन से कहा कि मेन बनाने के बजाय कानूनी तरीका अपनाएं। एक और सारिफ ने कहा कि सिर्फ अपने शो की रेटिंग के लिए आप मुतासिरा खानदान से अहमकाना सवाल पूछ रही है, लोगों के जख्मों पर नमक छिड़क कर शो की रेटिंग हासिल की जा रही है। सारिफ ने भी नदा यासर को बैन करने का मुतालिबा किया। एक और सारिफ ने कहा कि इसके अलावा भी कई सारिफीन की जानिब से नदा यासर को प्रोग्राम से हटाने का मुतालिबा किया गया। इस वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं, साथ में बेल आइकन को दबाएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ मैसेंजर पर, फेसबुक पर और व्हाट्सएप पर।